अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम एनालिसिस सां गॾु हमीदा रशीद हाज़िर आहे। व्यूअर्स, प्रोग्राम में अॼु असीं सभु खां पहिरीं ॻाल्हि कंदासीं सखर जी। सखर शहर जो जेको ड्रेनेज जो गंदो पाणी आहे, सिंधु दरिया में छोड़ कयो पियो वञे। सखर शहर जा अहिड़ा केतिरा ई इलाइक़ा आहिनि जिते गंदो पाणी वापराइण सबबु शहरी तमामु घणी परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियनि पिया। उते केतिरियूं बीमारियूं पखिड़िजी चुकियूं आहिनि ऐं काफ़ी इलाइक़नि में शहरनि पारां एहतजाज पिणु कयो वञे पियो। इन समूरी सूरत हाल बाबति इंतिज़ामिया जो बि मौक़े वठण जी भरपूर कोशिशि कंदासीं ऐं इन वाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां पोइ व्यूअर्स, असीं ॻाल्हि कंदासीं हैदराबाद जी। हैदराबाद में बिजली चोरी जे इल्ज़ाम हेठि एक्सीएन ते बिजली चोरी जो केस दाख़िल कयो वियो आहे, पर पुलिस जेका आहे इन हवाले सां उनजो जेको कारनामो इन में रहियो आहे त पुलिस जेका FIR दाख़िल कई आहे, हुन FIR में पुलिस पाण मञे पई त हीअ जेका फ्लैटनि जी बिजली चोरी थी आहे उहे फ्लैट उन थाणे जी हद में ई नथा अचनि। उनखां पोइ हैदराबाद में हिकु वॾो अहम इशू रहियो आहे त जेके फुरनि ऐं धाड़नि जा वाक़िया मामूल बणियल आहिनि, पर पुलिस इन हवाले सां अहिड़नि वाक़ियनि खे रोकण में मुकमल तौर ते नाकाम नज़र अचे पई। उनखां पोइ व्यूअर्स, हलंदड़ हफ़्ते जे कुझु सियासी अहम वॾनि इशूज़ ते नज़र विझंदासीं। पाकिस्तान तहरीक़ इंसाफ़ जा 100 ॾींहं मुकमल थी विया ऐं पाकिस्तान तहरीक़ इंसाफ़ पारां बाक़ाइदगीअ सां जेका 100 ॾींहनि जी हिकु रिपोर्ट पेश कई वई उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां पोइ आख़िर में व्यूअर्स, असीं ॻाल्हि कंदासीं ख़िते जे अमुन लाइ पाकिस्तान जो जेको तारीख़ी क़दम आहे, जंहिंमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान करतारपुर राहदारी जी पीड़ जो पथर रखियो ऐं जेका तक़रीब रही तमामु ज़बरदस्त तक़रीब रही। भारतीय वफ़द उन में शिरकत कई, सिख यात्रियुनि वॾे अंग में शिरकत कई, आर्मी चीफ पारां शिरकत कई वई। न समूरी सूरत हाल बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सभ खां पहिरीं व्यूअर्स, असीं ॻाल्हि कयूं था सखर जी। सखर इंतिज़ामिया पारां शहरनि खे जेको साफ़ पाणी छो न पियो ॾिनो वञे, इन वाले सां ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे सखर मां धरती टीवी जो ब्यूरो चीफ एजाज़ सिजण। एजाज़, सखर इंतिज़ामिया पारां शहरनि खे साफ़ पाणी जेको आहे उन जूं दावाऊं त कयूं वयूं, पर उहे दावाऊं पिणु पाणी में लुड़ी वयूं आहिनि ऐं कंहिं बि क़िस्म जो उन्हनि सां सहकार न पियो कयो वञे, उन्हनि खे साफ़ पाणी न पियो ॾिनो वञे। सखर शहर जा जेके रहवासी आहिनि तमामु परेशान नज़र अचनि था, छा वजह आहे सखर इंतिज़ामिया साफ़ पाणी छो न पई ॾिए उन्हनि खे शहरनि खे? जीअं वेदा, बिल्कुलु सिंधु दरिया जे कप ते आबाद लखे शहरी जेके आहिनि उहे साफ़ पाणीअ जे पीअण लाइ हमेशह खां परेशान रहिया आहिनि ऐं सरापा एहतजाज रहिया आहिनि। इंतिज़ामिया पारां हमेशह दावाऊं कयूं वयूं आहिनि त सखर जे शहरनि खे जेको आहे साफ़ पाणी फराहम करे ॾिनो वेंदो, पर उहे दवाऊं जेके आहिनि उहे पाणी में लुढ़ंदे नज़र अचनि थियूं, पर सखर जे शहरनि खे साफ़ पाणी कोन थो ॾिनो वञे। ऐं तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त सखर शहर जो ड्रेनेज जो गंदो पाणी जेको छोड़ कयो थो वञे सिंधु दरिया में, सिंधु दरिया में उहो जेको सॼो ड्रेनेज जो गंदो पाणी आहे उहो छोड़ कयो थो वञे, जंहिंखां पोइ जेको आहे उतां ई चंद क़दमनि जे मुफ़ासिले ते जेको आहे उते हिकिड़ो वाटर फिल्टर प्लांट लॻल आहे। उन वाटर फिल्टर प्लांट मां बग़ैर फिल्टर कए जेको शहरनि खे पाणी ॾिनो थो वञे उहो जेको आहे हानिकार आहे। हितां जे शहरनि जो इहो चवणु हमेशह रहियो आहे त असांखे सखर इंतिज़ामिया पाणी न बल्कि ज़हर ॾिए थी पई। उन पाणी पीअण जे करे हमेशह सखर जूं इस्पतालूं जेके आहिनि पेट जे बीमारियुनि में वरितल मरीज़नि सां सखर जूं इस्पतालूं जेके आहिनि उहे भरियल नज़र ईंदियूं आहिनि। साफ़ पाणी पंहिंजी जाइ ते जेको आहे शहरनि खे मिले ई कोन थो, पर अलबियो इहो आहे त उते जेको ड्रेनेज जो पूरे शहर जो जेको गंदो पाणी आहे ड्रेनेज जो जेको आहे हिकिड़े वॾे पाइप लाइन ज़रिए जेको आहे सिंधु दरिया में छॾियो थो वञे, जंहिंजे करे उन पाणीअ में मुख़्तलिफ़ वायरस पखिड़िजी विया आहिनि। जॾहिं त कुझु अरिसो अॻु हिकु टीम आई हुई जंहिंसां हेल्थ खातो बि जेको आहे उन सां गॾु हो, पर उन टीम जेका आहे उहा तस्दीक कई गंदो ड्रेनेज जो पाणी सिंधु दरिया में मिलण जे करे पोलियो जो जेको आहे वायरस जेको आहे उहो साम्हूं आयो हो। पर इंतिज़ामिया जेको इंतिज़ामिया सां हेल्थ डिपार्टमेंट ऐं जेके मुख़्तलिफ़ NGO सां तालुक़ु रखंदड़ माण्हू हुआ उन्हनि जेके आहिनि ॻाल्हियूं कयूं हुयूं, पर तंहिंजे बावजूदि जेको आहे उहो ड्रेनेज जो गंदो पाणी अञा ताईं हली रहियो आहे सिंधु दरिया में। पर सिंधु दरिया में उहो ड्रेनेज जो जेको गंदो पाणी वञे थो पियो, पर उते ई जेको वाटर फिल्टर प्लांट जेको लॻल आहे उतां ई जेको आहे मुख़्तलिफ़ जेको आहे इलाइक़नि खां जेको आहे उहो पाणी सप्लाई करे ॾिनो थो वञे, जंहिंजे करे शहरी हमेशह खां सरापा एहतजाजनि। पर हितां जे शहरनि जो इहो चवणु आहे त जेको पाणी ॾिनो थो वञे उहो पीअण त परे जी ॻाल्हि आहे, पर तड़ करण जे बि जेको आहे उहो लाइक़ु न आहे, उहो एतिरो त बदबूदार हूंदो आहे जो शहरी उनखे पी कोन सघंदा आहिनि। ऐं मां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त हितां जा शहरी जेके आहिनि उहे सखर इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ु हमेशह सरापा एहतजाज रहिया आहिनि त असांखे साफ़ पाणी ॾिनो वञे। पर मां तव्हांखे इहो बि ॿुधायां त केतिरा ई अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जंहिं में लखे माण्हू रहंदा आहिनि, उहे नओं पिंड इलाइक़ो हुजे, नओं ॻोठ वारो हुजे, पुराणो सखर हुजे या टकर मालो हुजे, बिराज रोड हुजे या शमशाबाद हुजे, उन्हनि इलाइक़नि में पाणी जेको आहे का महीननि ताईं जेको आहे महीननि खां महीननि ताईं
पानी न मिलंदो आहे, जंहिंजे करे जेको आहे उतां जा रहवासी जेके आहिनि उहे रुख कंदा आहिनि जर वारनि नलकनि ॾांहुं। उते जेके आहिनि अॼु बि जेकॾहिं ॾिसजे त जर वारनि नलकनि ते जेको आहे माण्हुनि जी तमामु घणी रश लॻल हूंदी आहे, पाणी भरण ते उहे मजबूर बणियल हूंदा आहिनि। मां तव्हांखे इहो ॿुधायां त पाणीअ जो एतिरो सखर में जेको आहे संगीन मसइलो थी वियो आहे जो ॿारा जेके आहिनि उहे जॾहिं स्कूल खां वापसि अचनि था त उन जा वालदेन या उन जूं अमड़ियूं जेके आहिनि उन्हनि खे हथनि में जेको आहे थांव खणी ॾियनि था पिया त हीअ थांव वठो, हाणे किताबु तव्हां रखी छॾियो, हाणे तव्हांजो हीउ स्कूल जो कमु थी वियो, हाणे तव्हांजो जेको ॿियो कमु रहियो आहे उहो आहे पाणी भरण जो। उहो ॿार जेके आहिनि उहे पाणी भरण ते मजबूर हूंदा आहिनि, पर इंतिज़ामिया जेका आहे उहा परे परे ताईं जेका आहे उहा नज़र कोन थी अचे। बिल्कुलु एजाज़ जी, अवां ॻाल्हि कयो पिया गंदे पाणी जे वापराइण जे करे केतिरियूं ई ख़तरनाक बीमारियूं पखिड़िजी रहियूं आहिनि। गॾो गॾु मूंखे इहो ॿुधाईंदा हलिजो त सखर जा कहिड़ा कहिड़ा अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जिते साफ़ पाणी नथो पहुचे ऐं कहिड़नि इलाइक़नि में शहरी सरापा एहतजाज बणियल आहिनि? जी हमीदा, सखर जा खोड़ सारा अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जिन में जेको आहे पाणी जेको आहे अवाम खे न ॾिनो वेंदो आहे। पीअण जे पाणीअ लाइ माण्हू परेशान हूंदा आहिनि, जेके इन इलाइक़ा जेके उहे सर फहिरिस्त आहिनि जिन में जेको आहे पुराणो सखर हुजे, कुरैशी ॻोठ, माइक्रो कॉलोनी, शमशाबाद वारो इलाइक़ो, बैराज रोड, टक्कर मालो ऐं जेको आहे किड़ी क्वार्टर जेको आहे सिविल अस्पताल जे भरिसां आहे, उते त तक़रीबन महीननि जो महीनो जेको आहे पाणी जेको आहे कोन छॾियो वेंदो आहे, पाणी न ईंदो आहे, जंहिंजे करे उतां जूं औरतूं, उतां जा मर्द, उतां जा ॿार, उतां जा रहवासी उहे हथनि में पाणीअ जा थाम खणी करे जेको आहे इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ जेको आहे सरापा एहतजाज बणियल हूंदा आहिनि। ऐं तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त गदे पाणी वापराइण जे करे गैस्ट्रो ऐं पेट जूं ख़तरनाक बीमारियूं जेके आहिनि हिते जेको आहे अवाम में पखिड़िजी रहियूं आहिनि ऐं इस्पतालूं जेके आहिनि उहे गैस्ट्रो जे मर्ज़ सां वरितल जेके ख़ासि तौर ते जेके ॿार आहिनि जिन ॿारनि खे उहो बदबूदार ऐं गंदो पाणी पीआरियो थो वञे उहे ॿारनि जी तादाद जेका आहे उहा सिविल इस्पताल हुजे या प्राइवेट इस्पताल हुजनि उन्हनि में जेके आहिनि उहे ॿार जेके आहिनि उहे हर आए ॾींहुं जेके आहिनि उहे गैस्ट्रो जे मर्ज़ में जेके वरितल हूंदा आहिनि उहे दाख़िल थींदा रहिया आहिनि, उहे इलाजु कराइण ते मजबूर आहिनि। पर सखर इंतिज़ामिया हमेशह जीअं कन लाटार कंदी आई आहे, हमेशह जीअं जेका आहिनि हमेशह जीअं जेका आहे उहा सखर जा शहरी इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ु सरपा एहतजाज रहिया आहिनि ऐं पाणी न आहे छो भला करबला करबला जूं बि जेके आहिनि उहे दहूं जेके आहिनि उहे थींदियूं रहियूं आहिनि। पर कननि खां बोड़ा हितां जा इंतिज़ामिया जा माण्हू उन्हनि माण्हुनि जी का दाह का कूक नथा वरनाए। बिल्कुलु एजाज़ जी, अवां चयो पिया सखर इंतिज़ामिया सां इन वारे सां जेका ॻाल्हि ॿोल थी आहे, दावाऊं त वॾियूं कयूं वञनि थियूं पर अमल बिल्कुलु ज़ीरो आहे। जी हमीदा, DC सखर गुलाम मुर्तज़ा शेख ऐं मेयर सखर अरसलान शेख साहब सां असांजी काफ़ी भेरा जेका आहे इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे, त उन्हनि जो इहो चवणु आहे त जेके पीअण जो जेको साफ़ पाणी आहे उहो जेको आहे अवाम खे फरहाम करण लाइ कोशिशूं असांजूं जारी आहिनि, उहे कोशिशनि ताईं अञा ताईं महदूदु आहिनि। ड्रेनेज जी जेका पाइप लाइन आहे उहा काफ़ी अरसे खां जेका 25 साल अॻु में जेका पाइप लाइन विछाई वई उहा पाइप लाइन मुख़्तलिफ़ जेको आहे हंधनि तां टुटी चुकी आहे, रोडनि ते गंदो पाणी जेको आहे उहो बीठल हूंदो आहे, शहरी जेके आहिनि उहे पाणीअ जे फुड़े फुड़े लाइ परेशान हूंदा आहिनि। हितां जा माण्हू जेके आहिनि उहे हमेशह इंतिज़ामिया खे यादि ध्यानी कराईंदा रहिया आहिनि, इंतिज़ामिया खे अपीलूं कंदा रहिया आहिनि, मुख़्तलिफ़ तरीक़नि जा अनोखा एहतजाज कंदा रहिया आहिनि, पर तंहिंजे बावजूद सखर इंतिज़ामिया जेका आहे उहा लापरवाही जो मुज़ाहिरो कंदे सखर जे शहरनि खे गिदलो पाणी फराहम करे थी पई ऐं केतिरा ई अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जिन में पाणी कोन थो मिले, जंहिंजे करे सखर जा शहरी हमेशह खां ऐं हर आए ॾींहुं जेको आहे उहे सरापा एहतजाज रहिया आहिनि। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी अवांजी अबेरो चीफ सखर नाज़िन एजाज़ छिजण असांखे सखर जे ओवरऑल सूरत हाल बाबति ॿुधाए रहियो हो त सखर में जेको ड्रेनेज जो गंदो पाणी आहे उहो सिंधू दरिया में छोड़ कयो पियो वञे ऐं केतिरा अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जिते बीमारियूं पखिड़िजी वियूं आहिनि। सखर इंतिज़ामिया खे इन हवाले सां अमली तौर ते ज़रूरु के क़दम खणणु घुरिजनि, दावाऊं त वॾी वॾियूं कयूं वञनि थियूं पर अमली तौर ते उते कमु ज़ीरो नज़र अचे पियो। सखर इंतिज़ामिया खे इन हवाले सां ज़रूरु सोचणु घुरिजे। हाणे नंढी साही जी तरफ़ साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर थियूं था।
सफ़ाई का पोए अवे भलीकार चवंदी। हाँ असी गाल कंदासी हैदराबाद जी। हैदराबाद में बिजली चोरी के इल्ज़ाम हेठ एक्सीन से बिजली चोरी अज जो केस दाखिल किया वो है इन हवाले से हेस्को कासमाबाद के एक्सीन जफर सोलंगी से बिजली चोरी की FIR पिण भिटाई आबाद थाने से दाखिल कई वही है। पर हि आखिर मसलो है गाल बोल क्यों था अस लाइन से मौजूद है हैदराबाद में धरती टीवी जो रिपोर्टर इम्तियाज़ खुसो। इम्तियाज़ सब का पैं तो मुझे ये बुझाज तो हि ओवरऑल मसलो है इन हवाले से जी पुलिस FIR दाखिल कई है तो इन हवाले से पुलिस पांजी FIR में इो जाना है तो हि जो बिजली चोरी जो केस दाखिल किया वो है फ्लैट जी उन्होंने हद में ही ना अचन जिन फ्लैटन में चोरी थे पी। बिल्कुल हमीदा, हैदराबाद में कासिमाबाद वाले इलाके में एक CN आए जफर सोलंगी सब डिवीज़न कासिमाबाद जो उन्हें खिलाफ़ अनोखो केस दाखिल कर वो है। यो उन बिजली की चोरी जो केस दाखिल कर वो है भिटाई नगर थाने ते यो केस दाखिल थो है। उते जो हेस्को जो मुलाजिम है लौंग जखराणी उनकी फरियाद से यो केस दाखिल थो। लौंग जखराणी उन फरियाद में मौकुफ़ अख्तियार किया है तो संदस जो एक्सीन है कासिमाबाद जो उ गुजर केतरे अरसे का कासिमाबाद में टे जी रिहायशी प्लाजा लाइफ स्टाइल है उमेर प्लाजा है पंजो अजीज़ प्लाजा है उते जो फ्लैट आन या दुकान आन उन्होंने गुजर केतरे अरसे का चोरी की बिजली या कनेक्शन दई छा जिता जो है उन्होंने माहवार दुकान दुकान तक जो है 4-7 हज़ार जैसे फ्लैट जी उतना उन्होंने 10-15 हज़ार रुपया फी फ्लैट तक जो है रकम मिली रहे थी। वह रकम उनको लाइन में ना है शाहिद नारे जो वो मुबैन तौर पर उतना वसूल करें एक्सीन के पहुँचाई रो है। तांके मजमूई सूरताल जैसे बुधाई जे हैदराबाद में हेस्को जीत गुजर कुछ दिन का हेस्को ए वकील बिरादरी में तकरार हलंदड़ो इन सागे भिटाई नगर थाने ते जो एडवोकेट है जुम्मन जखराणी उनते हेस्को पारा केस दाखिल किया वो तो जो है बिजली चोर है गुजर केतरे अरसे का लखें रुपया जो है उत बिजली जो जी रहतू हैं वे अदा ना क्यों उनखा पो वो आज़ाद थो उन्हें फरियाद से भी बे दिहाड़े जो है कासिमाबाद के सब डिवीज़न ये जो एक्सीन है जफर सोलंगी उन समेत जो है लगभग 14 अमलदार खिलाफ़ केस दाखिल किया वो जैसे हेस्को चीफ मामले नोटिस वरतो हो उनखा पो पंज ढी अग जो है जफर सोलंगी के मुअत्तल किया वो हेस्को पारा उन बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया वो रात देर से वरी उन सागे एक्सीन से जो है केस दाखिल किया वो है उनमें जहाँ मौकुफ जाना वो है हेस्को पारा तो बिजली चोर है गुजर केतरे अरसे का जो है इदारे के लखें रुपये नुकसान पहुँचा रो है उन कर इन खिलाफ़ कार्रवाई कई वही इनमें भी ताजब की गाल हमीदा यह है तो उन थाने ते केस दाखिल किया है भिटाई नगर से भिटाई नगर थाने ते असें मालूम थो है ये जानायल जो प्लाजा लाइफ स्टाइल है अजीज़ प्लाजा है या मरियम प्लाजा है ये उते प्लाजा ना तो उनको हद है वह नसीम नगर कासिमाबाद लगे थी पर सियासी असर उसूख के बुनियाद से जो है केस उते दाखिल किया है। भिटाई नगर थाने से जो FIR दाखिल थी उनमें भी जो जांच ऑफिसर है उन पंजा रिमार्क्स जारी कर छाया उनमें भी उन जाना तो जानायल जो फ्लैट हैं संदन हद में ना उन जाँच जहाँ है ज थाने की हद में ये फ्लैट हैं उड़ा मोकलींदा अस कोशिश कई तो जफर सोलंगी जो मौकुफ़ भी मालूम कर सकूँ तो छाकाण तो उनते पेरी उनके मुअत्तल किया वो उनखा पो वरी बीहर जो उनकी बिजली चोरी के केस में फसाया वो है या वो मुलवस है पर असांजी बार बार क्वेश्चन बावजूद भी असा जफर सोलंगी राबतो न कयो। असा हेस्को जो तर्जमान है इतने हैदराबाद में उनसा भी राबते करने की कोशिश कई तो उनका भी समूरी सूरत हाल बाबत मौकुफ़ वी सकज छाकाण तो उनका पूछूँ थी अहम मसलो है हेस्को जो एक्सीन लेवल जो अमलदार है उनते बिजली चोरी या इल्ज़ाम हणी उनते केस दाखिल किया वो है पर असा के अजा तई लागापिल जी धुरियन हेस्को जो तर्जमान है या खुद जफर सोलंगी है उन असें मौकुफ़ ना दिनों भिटाई नगर थाने से असि गाल थी है उन्होंने चवण है तो यो केस जो है उन्होंने हेस्को जो मुलाजिम है लौंग जखराणी उनकी फरियाद से किया है। जुम्मन जखराणी ए लौंग जखराणी पान में माइट हैं या उन बया के वेझा पान में लगा पाया यो जो केस दाखिल थो है बया जो जरिया असा बुधाइन था यो यो केस भी उन सबब के कर दाखिल किया वो है ताकि इन एक्सीन के जो है अंडर प्रेशर रखी जो बया मामला हेस्को जहाँ वकीलन से उ मामला तय क्या वन उन जो है इनके मंजराम तटाने ला साजिश कई हुई है या उनके मंजराम से हटाने लेस्को जहाँ अमल
अमलदार आहिनि उहे बि मुलवस आहिनि। बिल्कुलु इम्तियाज़, गॾोगॾु इन इशूज़ ते बि ॻाल्हि करणु ज़रूरी आहे, छाकाणि त काफ़ी ॾींहनि खां ई जेको मसलो हले पियो हैदराबाद में, फुरनि ऐं धाड़नि जा वाक़िया जेके आहिनि मामूल बणिजी चुका आहिनि। काल्ह हिकु वॾो वाक़ियो पेश आयो, ॿिनि नियाणियुनि खां केतिरा सोना ज़ेवर रोक रक़म फुर थी। उन खां अलावा मोटर साइकिलनि जी हर रोज़ ई हिकु आम थी चुको आहे फुरनि ऐं धाड़नि जा वाक़िया। त इन हवाले सां पुलिस किथे आहे, पुलिस कहिड़े क़िस्म जी कोशिशि करे पई, अगरि कोशिशि करे पई त अमली तौर ते कुझु नज़र छो नथो अचे? बिल्कुलु हमीदा, हैदराबाद सिंध जो ॿियो नंबर वॾो शहर आहे। इते गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां अमन अमान जी जेका सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई ख़राबु बणिजी चुकी आहे। जॾहिं खां नओं डी आई जी नईम शेख ऐं एस एस पी हैदराबाद सरफराज शेख हिते आया आहिनि, उन्हनि खे बि लॻभॻि ॾेढ महीनो थी वियो आहे। उन दौरान रोज़ानो जी बुनियाद ते हितां फुरलुट, चोरियुनि ऐं धाड़नि जा वाक़िया मामूल बणियल आहिनि। तंहिं बावजूद बि पुलिस जेको आहे उन्हनि खे रोकण लाइ जेको आहे मुकमल तौर ते असांखे नाकाम नज़र अचे थी। काल्ह बि हैदराबाद एॾो वॾो शहर आहे, उतां लॻभॻि चार वारदातूं थियूं आहिनि। उनमें हिकु वारदात जेका थी आहे उहा टंडो आगावार इलाइक़े में फुलेली थाणे जी हद आहे, उतां थी आहे, जिते एडिशनल डिप्टी अटॉर्नी जनरल आहे अलह बचायो सुमरो, उन जूं ॿ धीअर आहिनि एरम सुमरो ऐं किरन सुमरो, उहे ख़रीदारी लाइ घरां निकितियूं हुयूं त उन्हनि जो जेको आहे पीछो कयो, ॿ अणॼातल हथियार बंदो आहे जेके मोटरसाइकिल ते सुवार आहे, उन्हनि उनखे हथियारनि जे ज़ोर ते जरगमाल बनाए रस्ते ते जेको आहे चार सोनी चूड़ियूं, ॿ लाकेट आहिनि सोना असांखे ॿुधाया पिया वञनि, ऐं ॿ मोबाइल फ़ोन हुआ उन्हनि नियाणियुनि वटि, ऐं उनखां अलावा उन वटि 50,000 रुपया रोक रक़म हुई, उहा बि उन्हनि खां फुर करे ऐं उन्हनि ते उन्हनि खे जेको आहे हिरास सां करे हू तव्हां आसानी सां फ़रार थी विया आहिनि। गॾोगॾु तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो लतीफ़ाबाद जो चार नंबर वारो इलाइक़ो आहे या हुसैनाबाद थाणी जी हद आहे, उते बि डॉक्टर आहे अखियुनि जो माहिर डॉक्टर आहे हामिद क़ाइम खानी, उनजे घरां जेको आहे चार हथियारबंद घिड़िया आहिनि, उते घर धणियुनि खे जरगमाल बणाए उतां बि जेको आहे उन 1,00,000 रुपया रोक रक़म ऐं 3,000 रियाल जेके आहिनि उहे ॿुधाया पिया वञनि, उहे उन्हनि खयां आहिनि, सोना ज़ेवर बि उन्हनि खयां आहिनि। उन्हनि उते औरतनि ऐं ॿारनि ते तशद्दुद कयो आहे। उनखां अलावा क़ासिमाबाद थाणे जी हद मां सनावला नाले अमरा आहे, उन खां मोटरसाइकिल चोरी थी वई आहे। साॻी रीति मार्केट वारो जेको थाणो आहे उतां बि उबेद नाले हमराह खां मोटरसाइकिल चोरी थी वई आहे। इन मजमूई सूरत हाल ते इहो आहे त हैदराबाद में जेके फुर ऐं धाड़ा आहिनि उहे रोज़ जे बुनियाद आहिनि बुनियादनि ते थी रहिया आहिनि, पर पुलिस जेको आहे ख़ामोश तमाशा ई बणियल आहे। अॼु बि हिकिड़ो सिविल इस्पताल हैदराबाद में अनोखो वाक़ियो पेश आयो आहे, जिते जेको पंहिंजी घरवारी खे गायनी वार्ड में उन दाख़िल कयो आहे इलाज लाइ आयो आहे ॻोठाणो पीरसन सिद्दीक मजीदाणू, उनखे जेको आहे चोर नशे वारी शइ खाराए ऐं हुनजे खीसे मां जेको आहे 20,000 रुपया रोक ऐं मोबाइल फ़ोन आसानी सां पूरे फ़रार थी विया आहिनि। उन बावजूद बि इहे एतिरा वाक़िया थिया आहिनि, पर पुलिस जेका आहे वज़िद आहे, जेकी माण्हू उन्हनि खे घरां या ॾोहारी जेके जेलनि मां आज़ादु थियनि था या ज़मानत ते आज़ादु थियनि था, उहो उन्हनि खे घरां गिरफ़्तार करे हाफ़ फिराई या कूड़ा मुक़ाबला ॾेखारे उन्हनि ते चर्स आफ़ी में ॿिया केस हणण में पूरी आहे। रोज़ानो जे बुनियाद ते जेके वाक़िया थियनि पिया हैदराबाद में, उन्हनि खे रोकण लाइ पुलिस के बि उपाना आहिनि वरिता, जंहिं करे इहे रोज़ानो जे बुनियाद ते फुर ऐं धाड़ा हिते मामूल बणिजी विया आहिनि। शहरी पाण खे तमामु घणो गैर महफ़ूज़ सम्झनि पिया, छाकाणि त घरनि में जेकॾहिं वेठा आहिनि त उते धाड़ियल जेके आहिनि या चोर आहिनि उहे उते वञी धाड़ो हणनि था, जेकॾहिं उहे रस्तनि ते निकिरनि था त रस्तनि में हाणे औरतूं बि महफ़ूज़ न आहिनि, उहे बि फुरजी थियूं वञनि इन हथियारबंदनि खां, जेकॾहिं मोटरसाइकिल किथे छॾीनि था का गाॾी छॾीनि था उहा बि उन्हनि जी चोरी थी वञे। हितां जा जेके शहरी आहिनि उन्हनि आई जी सिंध खां मुतालबो कयो आहे त जेके नाहल डी आई जी हैदराबाद या एस एस पी हैदराबाद आया आहिनि हैदराबाद में, उन्हनि खे जेको आहे फौरी तौर ते हटायो वञे, कंहिं फ़र्द शनास ऑफिसर खे मुक़ररु कयो वञे, जीअं हैदराबाद में अमन अमान जो जेको मसइलो आहे उहो मुस्तक़िल बुनियादनि ते हल थी सघे ऐं शहरी बि जेको आहे पंहिंजे कारोबार सां गॾु जेका रोज़मरह जी ज़िंदगी आहे उनमें जेको आहे सुख जो साह खणी सघनि। वॾी महिरबानी पंहिंजी इम्तियाज़ खोसो नाज़िन नवाले सां असांखे तफ़सील ॿुधाए रहियो हो। विवर्स, हलंदड़ हफ़्ते जे कुझु सियासी अहम इशूज़ ते हाणे असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाकिस्तान तहरीक़ इंसाफ़ जा 100 ॾींहं मुकमल थी विया ऐं पाकिस्तान तहरीक़ इंसाफ़ पारां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां जेको बाक़ाइदगीअ सां तक़रीब खे जेको ख़िताबु कयो वियो, हिन हिकु बाक़ाइदगीअ सां जेका रिपोर्ट पेश कई आहे, 100 ॾींहंनि जी जेका रिपोर्ट पेश कई वई आहे हुन में इहो ॿुधायो वियो आहे त हुकूमत पंहिंजे 100 ॾींहंनि में कहिड़ो कहिड़ो शयूं हासिलु कयूं आहिनि। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां रिपोर्ट जेका पेश कई वई हुन ॿुधायो वियो त तालीम, सिहत, नेब ऐं करप्शन जो जेको ख़ात्मो आंदो वियो, मईशत जी जेका बहाली आहे, उन खां अलावा ज़रात जी बहितरी खां अलावा कानूनी इस्लाह ते बि उन्हनि बाक़ाइदगीअ सां कमु कयो आहे। इमरान ख़ान साहब पंहिंजे ख़िताब दौरान पंहिंजी रिपोर्ट पेश कंदे वधीक छा चयो, उन ते नज़र विझूं था, उन खां पोइ ॻाल्हि खे ताईं कंटिन्यू कयूं था। मुझे अभी तक बताना पड़ता कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, फिर मैं टेलीफोन उठाता हूं एकदम और किसी को कुछ कहता हूं, तो वैसे मैं ये कहूँगा कि 90 दिन में जो असल मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ ये 100 दिन में, वो बुशरा बेगम को, क्योंकि
जो ये 100 दिन गुजरे हैं, ये एक छुट्टी, क्यों किसी ने कहा ना एक छुट्टी नहीं ली, एक छुट्टी ली थी सैटरडे को, पहली छुट्टी थी 100 दिन में, तो उनके लिए असल तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतनी मुश्किल घरेलू जिंदगी ये जो पिछले ये 100 दिन रही है। देखें, बड़े बड़े मैंने कमेंट सुने हैं 100 दिन के ऊपर कि जी 100 दिन में कुछ नहीं हुआ, 100 दिन में ये नहीं हुआ। टीवी के ऊपर मैं देखता हूँ, कम टीवी देखता हूँ, तो ये हमने फैसला किया सारे पाकिस्तान में गरीब लोगों को, गरीब घरानों को सेहत कार्ड देने का। फिर जो पॉलिसी, जो भी पॉलिसी बनी, अभी असद उमर आपको बता रहे थे कि सोशल इंक्लूजन, कैसे हमने उन तबकों को पैसा पहुँचाना है, कर्जे पहुँचाने हैं जिनको हमारा अभी तक सिस्टम पैसे पहुँचाता नहीं है, उनको शामिल करना है। मैं अभी आपको पूरा पॉवर्टी का कि हम एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं कि एक ही अथॉरिटी बना रहे हैं, उसके नीचे मुख्तलिफ चीज़ें कि हमने कैसे गुर्बत कम करनी है, मैं उस पर आता हूँ। उससे पहले मैं 22 साल से लोगों से वादा कर रहा था कि हम पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर काबू पाएंगे, ये मेरा मेन प्लान था। तो था क्यों? क्योंकि करप्शन गुर्बत पैदा करता है। अमीर और गरीब मुल्क के अंदर फर्क ही करप्शन है। आप ये दुनिया में देख लें कि जो अमीर मुल्क है वहां करप्शन नहीं है, जिधर जिधर खुशहाली है वहां करप्शन कम है ही नहीं, और जिधर जो गुर्बत है, वसाइल के बावजूद कांगो के अंदर हर किस्म का हीरे जवाहरात है, नाइजीरिया में तेल है, लेकिन गुर्बत है। और शायद ही मैं आपको जो मेरा ये 100 दिन के अंदर मैंने जो चीजें सामने आई हैं, जो अल्लाह ने पाकिस्तान को वसाइल दिए शायद ही किसी मुल्क को दिए। मैं मलेशिया गया, उनकी एंटी करप्शन में हम विजिट किया, शाह जी भी हमारी सारी डेलीगेशन थी, उनकी 90% कन्विक्शन रेट है। अब तक FIA ने 375 अरब रुपए के फेक अकाउंट्स पकड़े हैं, 375 अरब रुपए के। जिन अकाउंट्स, ये फेक अकाउंट्स में जिसमें से ये पैसा आके गया, और ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका, पहले पैसा कमाया कमीशंस में, वो गया फेक अकाउंट्स में, उधर से निकल के हवाले होंडू के लिए तो बाहर चला गया। तो हम पहली, ये पहली हुकूमत है जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हाथ डाल रही है। जी व्यूवर्स, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो खिताब आ है वहाँ बुधो सऊडी जो प्लान बाकायदगी से तैयार किया हुए, रिपोर्ट भी पेश कई है इन हवाले से। अपोजिशन शादी के उनबोल कर भरपूर कोशिश कदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदन से, उनके अलावा नवाज लीग के नुमाइंदन साहब इन हवाले से गालबोल कर कोशिश कदी। उन व्यूवर्स, खिते के अमन लाइ पाकिस्तान जो एक तारीखी कदम है, वज़ीर आज़म इमरान खान करतारपुर राहदारी की पीढ़ जो पत्थर रखियो, तकरीब थी तमाम बेहतरीन यह तकरीब थी गुजरी, जैमें सिख यात्रियों वे अंग भी शिरकत कई, भारतीय वफद पाकिस्तान आयो, उनके अलावा आर्मी चीफ पारा भी शिरकत कई वही, तो ये तमाम बेहतरीन एक तकरीब थी गुजरी, ये तमाम बेहतरीन ही कदम चेजो में भी इन सा पाकिस्तान हिंदुस्तान के जी तालुका बेहतरी डा वधन ते करे उम्मीद तमाम सुठी रखी सकजे पे। इन हवाले से पाकिस्तान में जो भारतीय वफद पौतो, जैमें भारतीय वजीर नवजोत सिंह सिद्धू जो ये चवण हो तो पाकिस्तान करतारपुर सरहद खोले पूरी कायनात असांजी झोली में विझी छी है। नवजोत सिंह सिद्धू वधीक छा चयो, उन ते नजर विझूं था। पाकिस्तान दे वजीर आजम इमरान खान साहब, सम्मान योग मंच, बाकी सब लोग जो यहां जमा हैं वो मेरी पगड़ी के लड़ हैं, वो सब सम्मान योग हैं। मैं जब बाबा नानक की इस मुकद्दस जगह की तरफ बढ़ा था, पाकिस्तान में आया था, तो सबसे पहले उन्हीं की फिलॉसफी, उन्हीं की विचारधारा का एक आगाज हुआ था, हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ए सारा जहान जीवे, धरती पौण पानी बूटे जीव प्राणी, सूरज चन्न सितारे ए सारा आसमान जीवे, जीवे रहम
हर इंसान दे दिल दे अंदर ते शान बान आन दे नाल हर इंसान जीवे ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान जीवे। कोई डर नहीं, कोई वहम नहीं। नानक शाह फकीर हिंदुओं दे गुरु ते मुसलमानों दे पीर, हिंदुस्तान दा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड। बाबा नानक 550 साल पहला कह गए, लेकिन कोई जरिया बनता, कोई फरिश्ता आता और 71 साल दी इंतजार नू पलां दे विच मिटाउंदा और ओ यारी भी निभाउंदा है। जी व्यूअर्स, हलंदड़ हफ्ते जा अगुज जे के सियासी अहम इशूज़ आहिन उन ते नज़र विझन विधीसीं ऐं इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करण लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान तहरीक़े इंसाफ़ ऐं उन खां अलावा नवाज़ लीग जे बि नुमाइंदनि सां ॻाल्हि ॿोल करण जी भरपूर कोशिशि कंदासीं। फ़िलहालु हलूं था नंढी साज़ी तरफ़, साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर थियूं था। वरसाई खां पोइ अव्हां खे भलीकार चऊं था। सियासी इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असां खे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमएनए शाहिदा रहमानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहिबा। शाहिदा साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, आपने किस तरह से देखा है? उन्होंने बाकायदगी से एक रिपोर्ट भी पेश की, वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह से खिताब किया, ओवरऑल आपने किस तरह से देखा? देखिए जी, जो 100 डेज इनके कंप्लीट हुए हैं उसमें कारकर्दगी तो सिफर है। सबसे पहले आप देखेंगे जो पार्लियामेंट जिसने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उस पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी नहीं बन सकी। 100 डेज के बाद भी अगर पार्लियामेंट के अंदर कमेटियां नहीं बनी है, पार्लियामेंट का फाल है, क्योंकि आप कोई भी बिल और कोई भी लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। नंबर दो ये कि जब पार्लियामेंट ही गैर फाल है, पार्लियामेंट ही काम नहीं कर सकती, तो बाकी काम क्या होगा? उसके अलावा जो उन्होंने महंगाई की है 100 डेज के अंदर, उसमें आप क्या है गरीबों के लिए? आपने बात की थी कि हम घर बना के देंगे, नौकरियां देंगे, नौकरियां भी छीनी जा रही हैं, रोजगार भी छीना जा रहा है, उनके घर से छतें भी छीनी जा रही हैं। इतनी ज्यादा महंगाई, आप देखें पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, हर चीज पर जो है कीमतें बढ़ा दी गई हैं। गरीब ये तो जीना मुश्किल कर दिया गया है। ये है क्या वो तब्दीली जिसके लिए हमने वोट किया था? डॉलर आप देखें कहाँ जा रहा है, पाकिस्तानी के कदर में इंतहाई अफसोस, खतरनाक हद तक कमी। इस वक्त मुल्क जो है वो दिवालिया होने को तैयार है। इस वक्त मुल्क की जो हालत है, यहाँ पर रेमेड हमारे पास इस वक्त जो है ना तो आपके पास कहीं पैसों में इजाफा हो, बल्कि आपके पैसों की कदर में कमी हो रही है। दूसरा, आपका तमाम पैसा, वो जो कहते थे कि 200 बिलियन रुपीज लेकर आएंगे, वो तमाम रुपया पाकिस्तान से जा रहा है। पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है, पाकिस्तान में जो इन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए थे सब नजर आए। लेकिन शाहिदा साहिबा, जिस तरह से जो रिपोर्ट पेश की गई है, इमरान खान साहब ने बाकायदगी से अपने किताब में भी ये कहा है कि तालीम, सेहत, नेब, करप्शन का खात्मा, मईशत की बहाली हो गई, ज़राअत की बेहतरी हो गई, उसके अलावा कानूनी असलाहत पर इस वक्त काम जारी है। तो उनका यही कहना है कि जो करप्शन कर रहे हैं वही चिल्ला रहे हैं, अपोजिशन इसलिए चिल्ला रही है। देखें जी, बात ये जिसमें करप्ट लोगों का टोला है वो तो उनके साथ बैठा हुआ है। हाँ, वो अलीमा खान की शक्ल में हो, अलीम खान की सब शक्ल में, आजम सवाजी की या एक्सपायर, जितने भी उनके पास कैबिनेट में बैठे हैं वो सब NRO करके बैठे हुए, सब करप्ट लोगों को छुपाने के लिए, वो अपने अंदर की सफों में जो बैठे लोग हैं उनको छुपाने के लिए दूसरों को चोर कहने से चोर नहीं हो जाएंगे। और आपने बात की कि तालीम, तकलीम के बजट में उन्होंने अफसोसनाक हद तक कमी की। जो तालीम की बात करते थे, उन्होंने तालीम का बजट ही कटौती कर दिया। जो KPK के हॉस्पिटल की सूरत हाल है, उससे खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वहाँ की हालत इतना ही खराब है। तो कौन सा, ना सेहत का शोभा, ना एजुकेशन का शोभा, और ना ही करप्शन का वो नारा लगाते रहे, लेकिन उनके अंदर उनकी सफों में तमाम पार्टी के करप्ट चोर डाकू, जिसको कल तक वो खुद चोर और डाकू कहा करते थे, वो सब आज उसकी सफों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं।
ये कैसे करप्शन के खात्मे की बात है कि अगर आप करप्शन का खात्मा करें तो पहले अपने घर से करें, अपने आप से करें। आपकी अपनी नमत यूनिवर्सिटी, आपकी शौकत खानम हॉस्पिटल की जो फंडिंग थी, आप वो फंडिंग के पैसे नहीं खा गए और वो पैसे तो उसका भी एहसास देने को तैयार नहीं। तो आप इस मुल्क का जो हाल कर रहे हैं, आज डॉलर की कीमत कहाँ पहुँच गई, पाकिस्तानी रुपीस की कीमत कहाँ है, इस पर हम जरूर आगे बात करेंगे शायदा साहब। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में अभी ये आ रहा है, जैसे कि आपने कहा, क्या इस हवाले से ये नहीं कह सकते हम कि ये एक अच्छी रवायत है पाकिस्तान की तारीख में कि सियासतदान 100 दिन रखें और फिर बाद में आए और उस अपनी एक रिपोर्ट पेश करें, या फिर हम ये कहेंगे कि अच्छी बात, जैसा कि आपने कहा, अच्छी बात तब होती कि अमली तौर पर कुछ होता। देखिए बात ये कि अमली तौर पर जब तक कुछ नहीं होगा, अब आप कंटेनर पे नहीं, अब आप अपोजिशन में नहीं बैठे हैं, आप किसी धरने में खड़े होकर स्पीच नहीं कर रहे हैं। अब आपको पाकिस्तान की आवाम ने अगर आपको आप पे एतमाद किया तो अब आपको डिलीवर करने का टाइम था। आप 100 डेज का बिल्कुल डिलीवर करते, रिपोर्ट पेश कर देना, नहीं आवाम खुद बताएगी। आपने कोई फांसी पॉलिसी नहीं दी और खुशकिस्मती ये कि अपोजिशन ने बढ़कर कहा कि हम आपके साथ हैं इमरान खान साहब, अगर माशी तौर पे आपको किसी किस्म की एक हंगामी सूरत हाल में हमारी मदद की जरूरत है, हम आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए। बिल्कुल, पार्लियामेंट में अपोजिशन की तरफ से बाकायदगी से ये कहा गया कि भाई हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का यही एक राय है कि वो कभी अपोजिशन को एतमाद में नहीं लेती। खैर, मैं यहाँ पे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत गुर्बत खत्म कर पाएगी, क्या हुकूमत मुल्क की जो लूटी हुई दौलत है वो वापस ला पाएगी, क्या ये जो हुकूमत है 50 लाख घर बनाने की जो दावा कर रही है वो बना पाएगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए जी, जो इन्होंने 50 लाख घरों की बात की थी, आपको देखें कि उसके लिए जो शराइत रखी है, जो उसके फॉर्म्स हैं, क्या वो गरीब आदमी जो रेडी लगाता है, जो रोजाना की डेली बेसिस पे काम करता है, क्या वो उसको फुलफिल कर पाएगा, सवाल ही नहीं पैदा। दूसरी बात इन्होंने कहा मुलाजमतें देने की, ये रोजगार छीन रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कहा इन्होंने कोई माशी पॉलिसी नहीं दी है, कोई जरिए पॉलिसी नहीं दी है, हमारा मुल्क एक जरिए मुल्क है। कौन सी इन्होंने पॉलिसी दी? असल चीज है आपका काम था डिलीवर करना। आपने 100 डेज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 में, एक तवील माशाल्लाह के बाद मिली ना, हमारे पास मसाइल पेन के हाथ है। उस वक्त ही आपको याद होगा कि जब इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था कोलिशन गवर्नमेंट में, तो उन्होंने सब मना कर दिया था कि खजाना खाली, लेकिन ना सिर्फ हमने खाली खजाने से मुल्क को चलाया, 100 डेज में हमने BIS प्रोग्राम, BYSP प्रोग्राम, सवात ऑपरेशन और मुल्क को जो दहशतगर्दी की जंग का सामना था, ना सिर्फ उससे हम बरसरे पेकार थे उससे ना, और उससे हम कुछ उपयोगी से निकले, बल्कि हमने गुर्बत मिटाओ के जो हमारा BISP प्रोग्राम था, सारी दुनिया में उसको सराहा गया और उसको एक एग्जाम्पल बनाया गया। जो करने वाले होते हैं वो करके दिखाते हैं, फिर बातों से काम नहीं होता, इनके पास सिवाय बातें करने के और यूटर्न के और कोई काम ही नहीं है। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है शायदा साहिबा, डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है और जो है आप मेरा सवाल सुन ले, रुपए की कदर में कमी हो रही है, PTI गवर्नमेंट के आते बाद ही ये जो चीज़ें हैं बार बार हो रही हैं, तो इस हवाले से वजीर खजाना साहब ये कह रहे हैं कि भाई अभी इंतजार करो और महंगाई बढ़ने का इंतजार करें, किस चीज़ का इंतजार करें? अभी किस चीज़ का इंतजार करवाएंगे? वजीर खजाना साहब वही है जिन्होंने कहा था कि जी मैं पेट्रोल को 48 रुपीज पर लेकर आऊंगा, तो वो पेट्रोल की कीमतों में मुस्तकिल इजाफा किया जा रहे हैं। ये गुर्बत नहीं खत्म कर सकते, ये गरीब को खत्म करने की पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर कोई नए नहीं है, वो पिछली 5 साल फाइनेंस कमेटी के मेंबर भी थे, उनको तमाम सूरत हाल का इदराक था, लेकिन बात ये कि ना तजुर्बाकारी ना कोई विजन जिनमें नहीं होता, वो लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। अब इस वक्त जो जिस वक्त मुल्क को जो क्राइसिस का सामना है, वो इनकी ना तजुर्बाकारी और इनकी वो बातें जो जिससे ये अमल नहीं कर सकते, वो बातें हैं जिसकी वजह से इस वक्त मुल्क को शदीद खतरात लाहक है और गरीब जो है वो गरीब तर होता चला जा रहा है, ये गरीब कुछ पॉलिसी पर अमल कर रहा है। शायदा साहब, करतारपुर मंसूबे के हवाले से ज़रा हम यहाँ पे बात करेंगे। तहरीक इंसाफ बाकायदगी से हुकूमत ये कह रही है कि भाई हमने अमन का चक्का लगा लिया है, खैर करतारपुर मंसूबे के बाद आप क्या कमेंट देंगी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में किस हद तक बेहतरी आ सकती है? लेकिन जी बात ये कि जब ये शहीद मोहतरमा बेनजी भुट्टो साहिबा ने शुरू किया था, तो उस वक्त तो बड़े इल्जाम लगे थे और हम पे भारत नवाज और भारतीय दोस्ती का लगाया, फिर नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी मोदी का यार है जरदार के इल्जाम लगे,
लेकिन ये इनकी बड़ी खुशकिस्मती है कि इनकी इस वक्त अपोजिशन ने वो रोल प्ले नहीं किया जो माजी में किया था, कि जब चाइना के वजीर आजम आ रहे थे और ये धरना दे के बैठे हुए थे और इन्होंने मुल्क को नाकाबिले तलाशी नुकसान पहुंचाया उन तरफ नोटे। हम तो इस वक्त भी इनके साथ हैं, हम चाहते हैं कि खत्ते में अमन हो, खत्ते के अमन की बहाली ही से खत्ते के दोनों आवाम का जो खुशहाली है। लेकिन भारत का जो तरीके का रवैया है, भारत जो है वो किसी हालत में भी आपकी दावत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वन साइड आप किस तरीके से एक हाथ से ताली बजाते रहेंगे। बात ये कि पाकिस्तान के वकार को, शालियत को सामने रखते हुए हमें दूसरी का हाथ बढ़ाना चाहिए और पाकिस्तान की इज्जत को दांव पे लगा के आप कब तक इस तरह दोस्ती का राग अलापते रहेंगे। इस तरीके से दोस्तियां नहीं होती, दोस्तियां दोनों तरफ से होती हैं। आप उसी दिन का बयान देख लें कि उनकी वजीर खारजा का, प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है, क्या वो इस बात की माजी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। शायदा साहिबा, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे देती चलूंगी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। आप मुझे ये बताएं कि अपोजिशन की जो है हमेशा से ये शिकायत रही है कि भाई जो है हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया जाता, इस हवाले से आपका क्या मौकिफ है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, पीटीआई गवर्नमेंट लास्ट 5 ईयर अपोजिशन में थी और इनका हर मर्तबा एक ही एतराज होता था कि प्राइम मिनिस्टर ऐवान में नहीं आते, प्राइम मिनिस्टर ऐवान को एतमाद में नहीं लेते। गैर मुल्की दौरा करने के बाद वो बिल्कुल उनकी गलती थी और जो 5 साल हमने हुकूमत करके दिखाई वो सबके सामने एक मिसाल थी कि हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर डेली ऐवान में आते थे, मिनिस्टर्स आते थे और कोई भी गैर मुल्की दौरा करके आते थे या कोई सवाद ऑपरेशन जैसा हुआ तो उसको इन हाउस का, आपने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया, वहाँ ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद वो ऑपरेशन। तो हर चीज के लिए पार्लियामेंट को एतमाद लेना जमहूरियत का हुस्न भी है, जमहूरियत का खासा भी है। लेकिन इन्होंने भी माजी की रवायात को, नवाज शरीफ की रवायात को दोहराते हुए वो कहते थे कि जी हम पार्लियामेंट में आएंगे, पार्लियामेंट में आना गवारा नहीं समझा, सऊदी अरब गए किस क्या डील करके, चाइना गए क्या डील करके आए, कोई चीज नहीं, पार्लियामेंट में तो वो आने ही गवारा नहीं करते ना। लास्ट 5 ईयर रहा है बिल्कुल शायदा साहिबा, जबकि इमरान खान साहब ने क्लियर ये कहा था जब वो वजीर आजम बने थे, उन्होंने कहा था कि भाई मैं पार्लियामेंट में आऊंगा और सारे सवालों के जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच शायदा साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। राजन शायदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसा सगर मौजूद हुई, इन हवाले सां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾेई रही हुई। उन्हनि जो इहो ई शिकायत आहे अपोज़िशन जी हिन वक़्तु बि इहा शिकायत आहे त असांखे एतमाद में नथो वरितो वञे। वज़ीर आज़म साहब जॾहिं चयो हो त मां पार्लियामेंट में ईंदमि, अपोज़िशन खे एतमाद में वठंदमि, उन जे बावजूद बि उहो उन ते अमल नथो करे। विवर्स प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे, मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ इशूज़ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। तेसीं ताईं हमीदा रशीद खे ॾींदा इजाज़त, अलवाही।